शिरडी में साईं बाबा की समाधि का शताब्दी समारोह आज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरका, 475 करोड़ की विकास कार्यों की देंगे सौगात। आरएसएस के स्थापना दिवस पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाए सरकार, हिंदू नहीं पूरे देश के है राम। राम मंदिर निर्माण में देरी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा राम मंदिर बनाने में देरी क्यों, 25 नवंबर को अयोध्या जाने का किया ऐलान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया का पलटवार, कहा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया जा रहा है राम मंदिर का मुद्दा। कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का वार, कहा हिंदुओं को खराब तरीके से पेश कर रही कांग्रेस, गुलाम नबी को पसंद नहीं है हिंदू। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का मामला, ऑल केरल ब्राह्मण एसोसिएशन ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका। 3 दिन के बाद गिरफ्त में आए पिस्टलबाज आशीष पांडे, पुलिस को मिली 24 घंटे की रिमांड, आज पटियाला हाईकोर्ट में होगी पेशी। जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, जवानों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। योगी सरकार ने 50,000 सिपाहियों की भर्ती का किया ऐलान, 2019 के चुनाव से पहले होंगी भर्ती, प्रमुख सचिव गृह ने दी जानकारी। इलाहाबाद का नाम बदलने जाने पर बिफरे आजम खां, कहा मुसलमानों के माइनॉरिटी के बाद भी रामपुर को नहीं कहा जाता मुस्तफाबाद।